जय माता रे प्रिया मित्रों, हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत बढ़िया विषय लेकर आया हूँ। आज मैं आपको वास्तु के अनुसार हमारे घर के अंदर, हमारे मकान के अंदर कौन सा रूम, कौन सा कमरा हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, उस कमरे के बारे में मैं आपको बताऊँगा। वास्तु शास्त्र एक ज्ञान है, विज्ञान भी है, उसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। वास्तु के अनुसार अगर आपके घर के अंदर आपका कोई बेडरूम अगर जिस दिशा में मैं बता रहा हूँ या जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ होगा, तो आपके घर में परेशानियाँ, बीमारी और पति पत्नी में आपस में नहीं बनेगी। उसकी सही जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माता ज़रूर लिखें। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे मकान के अंदर वास्तु के अनुसार अगर आपका बेडरूम रसोई घर के ऊपर आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके पति पत्नी के झगड़े होना या दोनों में से एक की हेल्थ हमेशा डाउन, परेशान रहेंगी। आपके घर में बीमारियां ज़्यादा रहेंगी, परेशानियां ज़्यादा आएंगी और आप किसी ना किसी उलझनों के अंदर हमेशा उलझे रहेंगे। अब इसका क्या मतलब होता है? जैसे रसोई घर के अंदर सारा दिन आप काम कर रहे हैं, वह अग्नि आप जला रहे हैं, अग्नि जलाने से जो उसका गर्म तपन होता है, गर्म सेक होता है, वो आपके लेंटर के ऊपर जाएगा। जब बार बार अग्नि आप जला रहे हो तो उसका बेडरूम जो आपके रसोई का जो गर्म सेक है वो आपके लेंटर की तरफ जाएगा, तो ऊपर सोने वाले बेडरूम में जो भी पर्सन वहाँ रहेगा वो हेल्थ वाइज बीमार हो जाएगा। उसकी जो सोच होगी वो नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी, पेट संबंधी और बेफालतू उलझने उनके आपस के अंदर आती रहेंगी, उनके कोई भी काम नहीं बनेंगे। अब वैसे ही एक चीज़ हो रहती है, अगर आपका बेडरूम रसोई घर के नीचे होता है, तब भी आपका बेडरूम बिल्कुल गलत होता है। क्योंकि जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु होती है, तब आदमी अग्नि के नीचे सोता है। अगर आप अपने घर में बेडरूम बनाते हो रसोई घर के नीचे, तो आपका बेडरूम फिर भी गलत है, उससे भी अग्नि का जो सेक होता है वो धरती के नीचे आएगा, उससे भी आपके घर में बीमारियां, परेशानियां और लगातार कोई ना कोई ऐसी परेशानी आपको हमेशा सताएगी जिससे आप परेशान रहोगे। जैसे कि घर के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आना, ज़मीन जायदाद को लेकर भी आपके घर में लगातार परेशानियां बढ़ती जाएंगी। अब इसका एक कारण होता है, जैसे आप एक मोमबत्ती को जला लीजिए, अगर एक ही जगह पर आप उसे हर रोज़ जलाते रहोगे तो उसकी जो गर्म लो होगी उसकी वजह से आपकी छत के ऊपर ब्लैक एक धुआं इकट्ठा हो जाएगा, उसी प्रकार आपके जीवन में भी अंधकार आना शुरू हो जाएगा, तो हमारा बेडरूम वहाँ पर नहीं होना चाहिए। दूसरा बात होती है कि आपके रसोई घर के नीचे मंदिर नहीं होना चाहिए या रसोई घर के ऊपर मंदिर भी नहीं होना चाहिए, उससे भी आपके घर में परेशानियाँ लगातार बनी रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।